ब्रह्मांड के वरदान मांगा परेशान कर ले। सबसे पहले इंद्र में चढ़ाई थी, इंद्र का आसन अधिकार किया, कुबेर पर कुबेर का भी अधिकार किया, कुबेर के पास पुष्प विमान था, वो भी पुष्प विमान छोड़ दिया गया। नारद जी जब आप आए हैं आपके साथ क्या देख रही है, ब्रह्मा जी आपके पिता है, आप त्रिशाल के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये मेरी बेटी का हाथ देखिए और बताइए कि मेरी बेटी में क्या गुण है और क्या अवगुण है। तब नारद जी कहते हैं हाथ देखकर, पार्वती का हाथ देखकर नारद जी कहते हैं तब लग्न संपन्न कुमारी सारे लक्षणों से युक्त है, इनके पास सब लक्षण है और तो और ये अपने पति की भी प्यारी आई है, ये अपनी पति का भी प्यारी आई है और अपने माता पिता से सदैव लग पाएंगे और नारद जी अनेक प्रकार से बताने लगे जो उनका स्वभाव था, साक्षात जगत जननी है, लेकिन नारद इस बात को नहीं जानते। नारद को बस दरिया बनाएंगे तुम जाओ वहां पे, बताना है कि किसी भी प्रकार से शंकर जी की ही तपस्या हो। नारद जी का तो श्राप मिल चुका था, एक जगह कहीं नारद जी स्थिर नहीं होता। भवानी इनका तीन नाम होगा, दामा उमा अंकिता भवानी। इसके हाथ में जो उसकी पति की रेखा है ऐसा बताया जा रहा है, रेखा के अनुकूल किसका पति योगी होगा, जटाधारी होगा, जिस काम हृदय किसी काम का हृदय नहीं होगा उसका, नंगा अमंगल वे, अमंगल मंगल नहीं अमंगल भेद होगा। चलो पार्वती जी जो थी इन बातों को सुन रही थी और उन्हें पूर्व जन्म के स्मरणों का भी पता था। कारण कारण भी मैं बताता हूँ, जब सती चल रही थी दक्ष के हवन कुंड में, संपूर्ण देह का जब उन्होंने त्याग कर दिया था तब उस समय उन्होंने प्रभु श्री राम का ध्यान किया था, स्वयं प्रभु श्री राम उनके सामने आए थे और उनसे कहे थे बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तब सती उनसे कहते कि प्रभु हमें वरदान दीजिए कि हम हर जन्म भगवान शंकर की ही पत्नी रहे और अगला मेरा जन्म होने वाला है तो मैं इस दक्ष के घर में जन्म ना लूं, मैं इस दक्ष के घर में जन्म ना लूं, आप कहीं और मेरा स्थान परिवर्तन कीजिए। राम जी के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ पार्वती के स्वरूप में राजा भगवान के घर पे। उन्हें पूर्व जन्म का भी बहुत कुछ याद किया, नारद मुनि के वाणी को सुनकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। दो प्रकार के, एक प्रकार ये सारे लक्षण उनके माने हुए पति पति से मिलती है, जो उन्होंने अपने मन में मान रखा है कि हाँ हमारे शंकर जी ऐसे हैं। दूसरा लक्षण कि जिन पुरुष के मुख से यह बात निकल रहा है वह हमारे गुरु के समान है और गुरु की वाणी कभी गलत नहीं होती। इस बात से ये बात सुनकर सती जी भी प्रसन्नता से होने लगे और सती जी के साथ उनकी माता मैना देवी वह उनके पिता राजा हनुमान दुख से रोने लगे, अरे मेरी कन्या में क्या दिक्कत है, रूप से सुंदर है